सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे 8 मार्क्स कवर करता है हमारे इंग्लिश के पेपर में। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जो लेटर राइटिंग होती है, मतलब जो हमारे आईसीएसई में आता है वो 8 मार्क्स की आती है। और जो लेटर राइटिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल लेटर राइटिंग और एक होती है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, मतलब जो हम लोग बेसिकली ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल्स को, या फिर जो हाई पोस्ट पे होते हैं, मान लीजिए हमको अपने सिटी में वाटर की प्रॉब्लम है, हमें उसको सही करवाना है, तो हम लोग जो वाटर ऑफिसर होगा उसको हम लोग मतलब कि लेटर लिखेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हम लोग उनको बेसिकली उनको लेटर लिखते हैं। और जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर का मतलब आप लोग समझ पाओगे, जिसमें हम लोग बेसिकली अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को और अपने परिवार वालों को, हमें किसी को इनवाइट करना है, किसी की शादी में इनवाइट करना है, तो हम लोग जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसको बेसिकली अपने घर परिवार के लिए या फिर दोस्तों के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस, जो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है, मतलब बेसिकली मैं जो है मैक्सिमम टाइम फॉर्मल लेटर जो है अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मल लेटर में आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका 1 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाता है। और जो हमारे पास इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट ही नहीं लिखना होता है, तो उसका 1 मार्क्स तो ऐसे चला गया। तो आप लोग, मैं ये कहूँगा कि आप लोग फॉर्मल लेटर ही क्या करें। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का मतलब कि जो हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम लोग को स्टार्टिंग से लिखना है और कैसे हम लोग को एंड करना है। सुखा जी, देखो जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होता है, मतलब सेंडर से एड्रेस। मैं मान लीजिए मैं पता लिख रहा हूँ, किसी को लिख रहा हूँ, मैं मतलब किसी को लिख रहा हूँ लेटर, तो मुझे सबसे पहले अपना पता लिखना होगा। किस तरह लिखना है, देखिए सुनिए। मान लीजिए मुझे लिखना है पुलिस लाइन चौराहा रोड रायबरेली, इतना मुझे लिखना है। उसके बाद लिखना है UP 22901, तो हमने ये लिखता है। उसका 3 लाइन में हमें ख़त्म करना है। अब 3 लाइन के बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है डेट। अब डेट में क्या लिखूंगा, डेट किस तरह लिखनी है, डेट में जैसे आपको लिख लिया, मान लीजिए आपने लिख दिया 20 अक्टूबर 2020, तो आपको इस तरह नहीं लिखा 20/2/2022, इस तरह नहीं, मतलब जो होता नहीं 20/2/2012, इस तरह नहीं लिखना। आपको वहाँ पर पूरा बकायदा लिखना है 20 अक्टूबर 2020। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, जो कि उसे रिसीव करेगा। तो रिसीव मान लीजिए मैं किसी वाटर ऑफिसर को, मतलब मान लीजिए किसी भी ऑफिसर प्रिंसिपल को मैं भेज रहा हूँ, तो वहाँ पर लिखूंगा, वहाँ पर मैं लिखूंगा टू द प्रिंसिपल। उसका लिखूंगा वो जब उनका जो वहाँ पर होगा, मान लीजिए उनका जो घर है वो इंदिरा नगर रोड रायबरेली UP 22901, ये लिख दे। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब वो जो आप लेटर लिख रहे हो वो किसके लिए लिख रहे हो। मान लीजिए आपकी, अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वो इसलिए हो सकता है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर जो कारण है आपकी मतलब कि आपके जो लेटर लिखने का जो कारण है, वो आपको बेसिकली 3 से 4 शब्दों में 5 शब्दों में आपको सब्जेक्ट में लिखना होता है। और जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली वो हमारा 1 मार्क्स कैरी करता है। उस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही आसानी, बहुत ही मतलब कि अच्छे से लिखते हैं और उसी में हम लोग को ईजिली 1 मार्क्स मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल लेटर में हमें 1 मार्क्स ना मिलता। क्यों ना मिलता, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के सब्जेक्ट मिलता तो, लेकिन वो आ गया और मिलता उस जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब अगर आपको ग्रामर आती है तभी आपको आगे 1 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज इसमें अगर आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलना है। हमने उसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डियर सर, मतलब अगर मान लीजिए मैम को लिख रहे तो डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो, तो हम लोग लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप लोग बॉडी लिखिए। बॉडी में आपको बेसिकली 3 पैरा लिखने होते हैं, ओपनिंग सेंटेंस, मेन कंटेंट और क्लोजिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस में क्या लिखेंगे, मतलब देखिए ओपनिंग सेंटेंस मतलब आप सेंटेंस कैसे शुरुआत करते हैं, आप लोग अपनी शुरुआत करेंगे कि मतलब जो हमारी सिटी है उसमें जो मतलब जो हमारे स्कूल से उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही और टीचर्स आर नॉट कमिंग रेगुलरली, मतलब आप जिस टॉपिक पर आपको उस टॉपिक को लिखना, या फिर मान लीजिए आपको फीवर आ चुका है इस वजह से आपको छुट्टी लेनी, मतलब जिस टॉपिक पर लिखना है उसके लिए आपको स्टार्टिंग में मतलब जो हमारे लेटर होता है उसको ओपनिंग सेंटेंस से स्टार्ट करना है, ये इसके आपको 1/2 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो हमारे पास बॉडी होती है, बॉडी मतलब जो आपने जो सब्जेक्ट है उसको बेसिकली डिफाइन करना है, आपके साथ ऐसा क्यों और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, तो मतलब जो आप बेसिकली बॉडी होती है वो 2 मार्क्स की होती है, तो आपने बॉडी लिख दिया। उसके बाद 1/2 नंबर में क्लोजिंग सेंटेंस, आप क्लोजिंग सेंटेंस की जो मेन लाइन होती है वो होती है वी विल वेट फॉर योर फॉरवर्ड रिस्पॉन्स, मतलब मान लीजिए आपने किसी से कुछ कहा कि आप हमारे शहर में ऐसा कुछ करवा दीजिए, तो आप लोग इनमें लिख सकते हैं वी विल वेटिंग फॉर योर फॉरवर्ड रिस्पॉन्स, मतलब मैं आपके मतलब कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार करूँगा। उसके बाद हमने इतना कर दिया। उसका सब्सक्रिप्शन में आपको लिखना है, मतलब जो आपने मान लीजिए पूरा लेटर लिख दिया, आप सब्सक्रिप्शन में आपको लिखना है योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली, अगर आप लोग
मम्मी पापा या फिर अपने भाई बहन को लेटर लिखे हो तो आप लोग लिखिए योर लविंगली, या फिर अगर आप लोग किसी ऑफिसर को लिखे हो तो योर फेथफुली आप लिखिए अभिषेक शुक्ला, या फिर अभिषेक शुक्ला लिखिए। अब आप जहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप उस सिटी में है, क्या है आप अगर वहाँ के नॉर्मल पीपल हो तो आप लिखिए रेसिडेंशियल हूँ, मतलब आप लोग उस जगह, मान लीजिए आप उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर हैं तो आपको वो लिख देना, मतलब जो आपकी पोस्ट होगी आपको लिख देना। सो गाइस ये था हमारा फॉर्मल लेटर, मतलब जो हम लोग बेसिकली हाई पोस्ट पर लोग होते हैं उनको लिखते हैं, तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है सेंडर से एड्रेस, मैं उस लेटर को भेज रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, उसके बाद मैं तीन लाइन में खत्म कर दूंगा, एक लाइन छोड़ूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा डेट, आज कौन सी डेट है वो मैं लिखूंगा, मतलब आप जिस डेट को भेज रहे हो। फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो एड्रेस रिसीव कर रहा होगा, मान लीजिए आपने जिसको दिया हो जो है उसका जो पता है वो आपको लिख देना है ताकि वो सही जगह चला जाए, तो वो हो जाएगा हमारा रिसीवर से एड्रेस, उसको भी हमको तीन लाइन में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हम लोग बेसिकली एक लाइन में लिख देते हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग होती है उसका हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर या फिर रेस्पेक्टेड मैम या फिर रेस्पेक्टेड टीचर, तो आप लोग ऐसा लिखेंगे। उसके लिखने के बाद आप क्या होगा, आपको बेसिकली तीन पैराग्राफ टू टू थ्री लाइन में, तीनों पैराग्राफ टू टू थ्री लाइन में होंगे, ओपनिंग सेंटेंस बॉडी फोर लाइन में और क्लोजिंग सेंटेंस टू लाइन में आपको कर देना। उसके बाद आप लोग जो हमारा सब्सक्रिप्शन मोड होता है उसमें आप लोग दीजिए योर फेथफुली या फिर आप योर सिंसियरली, उसके बाद आप लोग अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए आप उस विलेज में, मतलब आपका पोस्ट क्या है, मतलब आप नॉर्मल पीपल हैं या फिर आप किसी स्कूल के टीचर हैं या फिर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपको लिख देना। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।